है एवरी वन टूडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट वाट आई ईट इन अ होल वीक तो मैंने ना तीन चार रेसिपी चूज़ करी है कि मैं आप सबको दिखा सकूँ तो मैंने इन सबको ना कम्बाइन करा है तो सबसे पहले मंचूरियन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ना मैंने कैबेज अनियन कैप्सिकम और कैरेट इन सबको ना अच्छे से फाइनली चॉप कर लेना है आपने और फिर इनको ना मिक्स करके इसके अंदर ना आप नमक डालना और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ देना उससे क्या होगा जो एक्सेस वाटर होगा ना सब्जियों होगा वो बाहर निकल जाएगा फिर जो बॉल्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर उसका पानी आपने निकाल लेना है देन उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्ला और जो है थोड़ा सा मिर्च नमक चिली फ्लेक्स ये सब डाल के अपने अच्छे से ना मिक्स कर लेना मैंने यहाँ ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है फिर इन सबको मिक्स करना है और आपको ना यार ऐसे बॉल जैसा बना लेना है ईजिली और इसको फिर डीप फ्राई कर लो अब ग्रेवी के लिए आपने क्या करना है मैंने ना मैं ड्राई मंचूरियंस बना रही हूँ तो उसमें उसका प्रोसेस आपको बता दो आपने ऑयल लेना है फिर उसके अंदर गार्लिक डाला फिर चिली फ्लेक्स डाला एंड वही सेम वेजिटेबल्स आपने जो है ग्रेवी में भी यूज़ करने हैं फिर उनको अच्छे से सॉटे करा फिर मंचूरियन मिक्स आता है ना रेडीमेड मैंने वो यूज़ किया उसके अंदर उसको ना अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया देन उसको ग्रेवी के अंदर ऐड करा फिर थोड़ा टमाटो सॉस डाला और हल्का सा पानी और डाला अगर आप ग्रेवी बना रहे हो तो आप पानी की क्वान्टिटी अपने हिसाब से रख सकते हो देन मंचूरियन बॉल्स डाले उनको अच्छे से सॉटे कर लिया उसके अंदर निया वगैरह करा अच्छे बने थे आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट इज़ रैप अच्छा रैप ना मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था बट मेरे पास ना मकैन्स थे तो उसके ना सिर्फ दो ही स्टिक्स बची थी तो मैंने सोचा इसका कुछ इनोवेटिव बनाते हैं तो आई मेड रैप तो आपको जो जो वेजेज़ यहाँ पे दिख रही है ना वो सारी वेजेज़ आपने ले लेनी है उसके अंदर तो मैंने ना बटर चिली फ्लेक्स टमाटो सॉस और थोड़ा सा नमक या डाला है फिर जो है मकीिन को मैंने डीप फ्राई किया देन रोटी के ऊपर हल्का सा सॉस लगाया देन उसके ऊपर सारी वेजेज़ रखी देन ऑयल लगा के उसको ना ग्रिल पैन में अच्छे से ग्रिल किया अगर इन केस आपके पास ग्रिल पैन नहीं है सो यू गाइस कैन गो फॉर तवा भी ठीक है उसके ऊपर बटर लगा के आप अच्छे से कर सकते हो देन इसको कट किया अब उसके बाद ये दही वाले कुलगपे यार, मतलब ये तो मतलब आपने देखे ही होंगे शॉर्ट में तो मैंने मैं आपको ये दिखा दूँ जो भी कोलकाता लवर्स हैं मेरी तरह तो वो देख सकते हैं कि दही वाले गोलगप्पे की बात ही अलग है वैसे ना मैंने इनको रिक्रिएट किया है होली की वीडियो में आपको ना दिखाऊंगी मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूंगी सो यू गाइस कैन सी इसका टेस्ट वर्थित तो होता है अगर किसी को कोल्ड कप पानी वाले नहीं पसंद ना तो एक बार दही वाले आप ट्राई कर सकते हो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं देन मैंने ये खाया फिर उसके बाद मैंने अनियन रिंग्स बनाए थे अब अनियन रिंग्स ड्रिंक्स लेना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई जो मैं शॉर्ट में नहीं बता पाई इसका शॉर्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो ना यहाँ पर मैंने कॉर्न कौ, स्टार्च यूज़ किया था और मेरे पास मैदा नहीं था ये बात मुझे बाद में पता लगी तो मैंने फिर सेम बैटर में ना थोड़ा सा बेसन भी डाल दिया था फिर उसको अच्छे से ऐसे मिक्स किया और नमक मिर्च वगैरह अजवाइन डाल लिया और फिर अनियंस को ना ऐसे रिंग्स में आपने कट कर लेना देन इसको डीप फ्राई कर लो बट ना एक एडवांटेज था कि बेसन डालने के बाद कुछ टेस्ट ऐसा अलग नहीं लग रहा था जो सेम आ, मैदे के साथ आता है वही सेम टेस्ट बेसन के साथ भी आ रहा था तो बस आपने इसको डीप फ्राई कर लेना और ये रेडी है होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा फॉर मोर सच वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब